तो अपनी ये गाड़ी है थार, थार का अपना क्या टूट गया हैंड केबल, हैंड ब्रेक केबल। तो अभी मैं बताता हूँ आपका हैंड ब्रेक केबल इसका आता कहाँ है, ठीक है। तो अभी जो इसका हैंड ब्रेक है ये रहा केबल, ठीक है, और ये लगता वहाँ पे अगर आप देखो ये जो दो वायर अंदर जा रहे हैं ये हैंड ब्रेक का केबल है, और इसमें क्या सेपरेट केबल आते हैं, मतलब एक केबल अलग वो केबल अलग। तो एक खासियत इसमें है कि अगर एक केबल टूटेगा तब ये काम करेगा। मेरा उधर का केबल दिख रहा होगा शायद, देखो और केबल, ठीक है, वहीं पर माउंट होता है, वापस करवाता हूँ शायद, ठीक है। और ये सेपरेट दो केबल वाला है, मतलब इसमें केबल दोनों सेपरेट सेपरेट आती है। ये केबल जो ये जो है अपना हैंड ब्रेक का केबल, ये वो आता है क्या बोलते हैं सेपरेट आता है, मतलब अगर आप MM550 वाला देखोगे कोई गाड़ी का, इसे एक राउंड सर्कल बनता है, मतलब यही केबल उधर घूम के उसमें लगाता है और बीच में खिंचता है। ये गाड़ियों में सेपरेट है, मतलब इसका सेपरेट केबल रहेगा उसका केबल, अगर एक केबल टूटेगा तो एक हैंड ब्रेक काम करेगा। अब ये रहा केबल, मेरा राइट हैंड साइड का टूटा है ये रहा, तो ये तो थोड़ा छिल गया है। अब इसमें रीजन कई होते हैं जैसे टूटने का कारण, जैसे पुराना हो जाए, पुराना मतलब कि ये अभी गिने तो मेरी गाड़ी की इसकी लाइफ अभी 2000 ऐसे गिने ऊपर ऑल, तब ये जून में इसके 9 साल 9 साल 4 और उसके 4-3-7 साल हो जाएंगे। तो केबल थोड़ा ऐसे गिने तो पुराना है, और खासकर जब हम जोर से खींचते हैं तो केबल टूट जाता है। मैं कोच बता देता हूँ उसके रीज़न क्या है, कि जैसे कि अभी तो कई लोगों ने मेरे दोस्तों को बोला था कि वहाँ अपने ऑफरिंग करें तो वहाँ पर टूटा है, लेकिन एक्चुअल में इसके पास कोई चीज़ जल्दी इतनी जल्दी जा नहीं सकती क्योंकि कमानी होती है, कमाने के बाद ये यहाँ लगता है होल में, ठीक है। तो ये इसका ये भी है कि ऐसे आसानी से नहीं टूटता, बहुत मजबूत केबल आता है, ठीक है। और टूटने का दूसरा रीज़न हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जोर से खींचा हो, तो भी हो सकता है, इसको भी मैंने यहाँ छिपा के रखा, मतलब पहिया में लड़ रहा था। तो ये रीज़न है, इसका खासियत यही है कि अभी अपने थार के लिए कि इसमें सेपरेट केबल था इसलिए चल रहा था। और दूसरी चीज़ बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आती है, तो फिर जब दूसरी चीज़ आप एक हैंड ब्रेक केबल ये खींचेगा नहीं, ये एक तो ये वो ढीला हो जाएगा और थोड़ा लंबा खिंचाने लगेगा, क्योंकि वो एक केबल पर रुक रही गाड़ी। और जब आप वैसे हैंडब्रेक खींचोगे गाड़ी आपकी ढाल पे, तो मालूम पड़ेगा कि आपका एक पहिया ही रुक रहा है, एक पहिया चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ मालूम पड़ती है सिम्टम्स में। तो ये के भी सिम्टम्स है, और बहुत जोर से कई लोग होते हैं हिम्मत के खींचते हैं तब भी टूट सकता है, केबल पुराना हो जाएगा। इसका मेन फैक्टर यही है, केबल पुराना हो कि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया तो टूट जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप ओपनिंग टाइम शायद कुछ लग गया हो ऐसा, सब ये भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो टूट गया हो, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ तोड़ती है केबल को तो उसका भी दाग बनता है कि भाई कोई दाग लगा हो ऐसा, ये गाड़ी के साथ घिस रहा था एक्चुअल में से, इसको मैंने यहाँ कर लिया है, तभी मंगाएंगे। हाँ, कोई भी चीज़ जैसे वुडबो में है लिंक दूंगा, लेकिन अगर एक चीज़ आपको करनी है तो सैंपल लेके जाना, मुझे सैंपल में ही कन्फ्यूजन है इसके, ठीक है। ये अपने लगाएंगे अभी, ये जस्ट बता रहा हूँ अभी हैंड ब्रेक के केबल के बारे में, तो आपको प्राइसिंग भी डिटेल आ जाएगी, मैं वहाँ से शेयर करूँगा। आप खोल के सैंपल लेके जाना फिर लाना, ठीक है। वुडमोस ऑर्डर करना चाहते कर सकते हो, वुडमोस ऑर्डर करो तो स्टॉक क्लियर हो उसी का करना, स्टॉक लिखा रहता हूँ, लोग लिखते हैं अभी तो ही डिलीवरी हुई, तो बाकी डिलीवरी कितनी भी लंबी जा सकती है। और फिर दूसरा ये आपका हैंड ब्रेक का जो सिम्टम्स है ख़राब होने की, वो चीज़ है। और क्योंकि केबल जाम होती है, हाँ, केबल टूटने में केबल जाम होने का भी प्रॉब्लम, अगर केबल जाम है तो ज़्यादा जोर से खींचोगे तो केबल टूट जाएगा, ये भी कारण है, पुरानापन और वो होना, क्या बोलते हैं, जाम हो जाना। तो मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर कर दी। अब देखो, इसलिए कई बार मैं बोलता हूँ कि गाड़ी का जैसे कि अमुक टाइम के बाद आपको चेकअप करते रहना है, अगर आप गाड़ी ऐसा कोई रस्ते में आप उसको प्रॉब्लम नहीं फेस करना चाहते हो, तो ये मैं डेली चेकअप में, मतलब जैसे कि मैं ऑयल चेक कर रहा था, अभी गर्मी का टाइम आ गया था, कूलेंट चेक करो, और जैसे कई बार तो कूलेंट मिक्स होता है, गाड़ी हीट कर रही, गर्मी में अभी आने शुरुआत हो रही थी, ये प्रॉब्लम होगी, तभी मेरे दिमाग में, मतलब वो मेरे नज़र में आया कि वो केबल टूटा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, शेयर कर दी आपके साथ। अब इसको जब हम इंस्टॉल करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कोई चीज़ कैसे इंस्टॉल कर सकते हो घर पर, बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ है वो सामान का मिलना आपके लिए, अगर गाड़ी नहीं है तो आपको वो पार्ट्स का तकलीफ हो सकता है, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दो, आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।